दोस्तों, दूध बढ़ाने वाली घास, शायद आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, यार दूध बढ़ाने वाली घास भी होती है क्या? ये जो आप देख रहे हैं ये दूध बढ़ाने वाली घास है और इसमें इतने पोषक तत्व है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि आप में सबसे डिफरेंस कैसे हैं। इसमें मैं आपको बताऊँ, इसमें फास्फोरस भी है, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें प्रोटीन भी है, इसलिए पशु का दूध बढ़ाती है। एक बार लगाओ 10 साल तक रेगुलर चलेगी। आज मैं ऐसे किसान भाई से मिलाऊंगा जो कम से कम 5 साल से रेगुलर नेपियर घास की खेती कर रहे हैं। तो नमस्कार भाई साहब। ये है हरी जी, काफ़ी वीडियो आपने देखा होगा, काफ़ी वीडियो है इनके नेपियर घास के, और हरी जी चोपड़ा है इनका नाम है। तो हरी जी, हमारे को ये बताओ, आपको 5 साल हो गए नेपियर घास लगाए हुए और आप अपने पशुओं को खिलाते हैं, तो आज तक कभी कोई प्रॉब्लम आई है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। तो मुझे ऐसे बताओ कि ये पशु के लिए फ़ायदा कैसे करती है? इसमें जैसे कैल्शियम की मात्रा होती है, फास्फोरस भी होता है जी, और फाइबर भी होता है। अच्छा, इसमें कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, वाह क्या बात है, और फास्फोरस भी है। और मैं आपको और बता दूँ, इसमें 11% तो कैल्शियम होता है और 8% के लगभग इसमें प्रोटीन है और 0.24% इसमें फास्फोरस है। और इसकी जो पाचन शक्ति है, ये जो पचाने वाली जो इसमें जो क्षमता है, वो अन्य घास से 65% ज़्यादा है, यानी जल्दी पचती है। तो ये मुझे बताओ, जैसे एक बार हमने लगा दिया तो कितने साल तक चलेगी? ये कम से कम 8 से 10 साल चलेगी। 8 से 10 साल एक बार लगा दिया, भूल जाओ आप, 8 से 10 साल चलेगी। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ, देखो अभी ये कटिंग की है, ये देखो एक बार दिखाओ आप, कटिंग है बिल्कुल ताज़ा कटिंग है। ये 60 से 70, ये लगभग साल भर पहले की है और इसमें 60 से 70 पटौन है। देखो इसमें एक कलम लगाई और कितनी ब्रांच इसमें, थोड़ा सा अंदाज़ा आप लगा दीजिए। कम से कम ये 60 से 70 इसके अंदर ब्रांच है। ये आप खुद देख लीजिए पूरा कितना बड़ा है, एक कलम से कितना बन गया। और कम से कितने दिन में इसकी होती है कटाई? इसमें ये तो कटिंग लेने पे है, जैसे अपन ये 3-4 फीट की है। अच्छा। ये 1 महीने की कटिंग है, 1 महीने पहले ही कटिंग की हुई। अच्छा, ये जो पीछे है वो 1 महीने की कटिंग है, यानी 1 महीने पहले इनकी कटाई की है। और अभी तक आपने दिसंबर से लेके अभी तक शायद 3 कटाई आप कर चुके हैं, फरवरी से लेकर ये बाद में ये 3 की 3 कटाई होगी। अच्छा, यानी सर्दियों में थोड़ी कम होती है? सर्दियों में थोड़ा सा कम पड़वार होता है, ताकि पूरे साल चलती है। तो इसको लगाए कैसे, इसके कोई बीज आता है या कोई कलम आती है? इसकी स्टिक ही लगती, कलम ही लगती है। अच्छा, इसकी ये कलम लगती है। दोस्तों जो है ना, ये देखो, ये इसकी स्टिक है, इसको कलम बोलते हैं, 2 गांठ वाली। जैसे एक गांठ आ गई, एक गांठ ही आ गई, यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, यहाँ पे ये लगेगी। तो ये आप लगा सकते हैं। तो ये कहाँ से मिलेगी? ये अच्छा, आप सेल करने का काम भी करते हैं। आपको यदि नेपियर घास की कलम चाहिए दोस्तों, तो यहाँ से जो हरी जी को कॉन्टेक्ट नंबर हमने दे रखे हैं, वो आप संपर्क कर सकते हैं। और ये जयपुर ज़िले के पास में बट्ठू वैली एक विलेज है, आमेर तहसील के अंदर, झारसू तहसील भी है इसमें पास में, वहाँ से आपको ये प्रोवाइड ये करवा देंगे। तो लगाने का समय कब का है इसका? इसका जुलाई से लेकर आप नवंबर तक लगा सकते हैं, बेस्ट मौसम है, तो आप इसको लगाइए। बल्कि आप एक बार हरी जी का फार्म विजिट कीजिए, ठीक है? बल्कि ये घास ऐसी है, दूध बढ़ाने वाली घास, इसमें प्रोटीन है, इसमें कैल्शियम है, इसमें फास्फोरस है। तो अपने पशु को खिलाइए और पस्ती भी अच्छी है, डाइजेशन हो जाता है और बिल्कुल सॉफ्ट है, आप देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, पशु आराम से खाएगा। इसमें ना कोई कांटे, ना कोई खुजली, कोई बीमारी नहीं आती, ये ऐसी वैरायटी है। और ये देखो, बिल्कुल ऐसा नहीं कि इसमें कोई कांटे आ रहे हैं, कुछ और आ रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत ही शानदार है। तो आपको यदि कलम मंगानी है तो आप जो कॉन्टेक्ट नंबर है वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, आपको अच्छी वाजिब रेट में आपको ये कलम मिल जाएगी। और आप संपर्क कीजिए, अच्छे फार्मर है। और अभी तक आपने कितने जगह में आपने लगा रखी है? मेरे पास 1.5 एकड़ में है। ये 1.5 एकड़ में नेपियर घास लगा रखी है। तो डिमांड कितनी होती है आपकी हर साल इसकी? मैं ये मान के चलो कम से कम 10 से 12 लाख स्टिक हर साल सेल करता हूँ। डिमांड है, इतनी इसकी डिमांड होती जा रही है। और सबसे टॉप वेरायटी है, वेरायटी कौन सी है? ये CO5 है। अच्छा, CO5 सबसे बेस्ट क्वालिटी, बाजरे की ब्रीड है, ना इसमें कांटे, ना कोई खुजली। और ये मान के चलो गाय, भैंस और बकरी
तीनों के लिए सबसे बढ़िया हरा चारा है। तो दोस्तों आप खरीदना चाह रहे हैं तो बिल्कुल हरी जी से संपर्क कीजिए, और अपने पशुओं के लिए जो चारे की प्रॉब्लम हमेशा होती है, पूरे साल भर हमारे को हरा चारा नहीं मिल पाता, और जिस प्रकार से चारे की जो दिन प्रतिदिन रेट बढ़ती जा रही है, उससे बेटर ये सबसे बेस्ट है, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसको एक बार लगाइए, आपके पास चाहे कितनी भी जगह हो, आपने यदि 10 कलम भी लगा ली ना, मैं कह रहा हूँ कि एक पशु का आपको चारा एनी टाइम मिलता रहेगा। इतना है, देखो अभी कम से कम 70 के लगभग इसकी ब्रांच हो चुकी है, और धीरे धीरे इसकी कम से कम 150 के लगभग ब्रांच हो जाएगी। और अभी देखो हाइट देखो आप, ये अभी एक महीने की हाइट है, और कम से कम ये 4 से 5 फीट है। इसकी पूरी हाइट कितनी जाती है वैसे? लास्ट हाइट होती है 18 से 19, 18 से 19 फीट इसकी हाइट जाती है। लेकिन पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में ये 10 से 11 फीट तक ही काम आती है। अच्छा, पशुओं के लिए इतनी बेटर है, बाकी सूखे सुखाने के लिए, सूखा चारा के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आपको सब कुछ पसंद आ गया होगा, और बल्कि किसी प्रकार का डाउट आप कमेंट्स कर सकते हैं, और जो कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। जय जवान जय किसान।